सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने अब तक सभी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुने थे, लेकिन अब एक बड़े आंकड़े सामने आए हैं सिर्फ तीन मूवीज की फ्रेंचाइजी के, जिनमें नंबर 3 पर आती है हैरी पॉटर की फ्रेंचाइजी। वेल, इस फ्रेंचाइजी ने पूरे 8.53 बिलियन का बिजनेस किया है, जिसके चलते इस मूवी की फ्रेंचाइजी 3rd नंबर पर आती है। और 2nd नंबर पर आती है स्टार वॉर्स। जी हाँ, स्टार वॉर्स की पूरी सीरीज ने अब तक 8.55 बिलियन का बिजनेस किया है, और अभी भी लास्ट जेडाई मूवी थिएटर्स में चल रही है, तो शायद इस फिल्म के आंकड़े और भी आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं बात करें नंबर 1st पोजीशन की, तो नंबर 1st पोजीशन पर आती है MCU की फ्रेंचाइज। जी हाँ, MCU की पूरी सुपर हीरोज की मूवी को मिलाया जाए तो MCU की पूरी फ्रेंचाइजी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 13.5 बिलियन। वेल, ये इसकी पूरी 17 मूवीज के कलेक्शन है। और वहीं बात करें हैरी पॉटर की, तो हैरी पॉटर की सीरीज में पूरी 8 फिल्में हैं, जिसके चलते हैरी पॉटर ने अकेले ही पूरे 8.53 बिलियन का बिजनेस किया है, जिससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि हैरी पॉटर की फैन फॉलोइंग कितनी है। और इस सीरीज में फैंटास्टिक बीस्ट भी शामिल है। और वहीं बात करें स्टार वॉर्स की सीरीज की, तो स्टार वॉर्स की सीरीज में अब तक पूरी 9 फिल्में हैं, जिससे कि स्टार वॉर्स ने भी बॉक्स ऑफिस पर पूरे 8.55 बिलियन का बिजनेस किया है। तो अगर MCU को हटा दिया जाए तो स्टार वॉर्स नंबर 1 पर आती है, क्योंकि इन दोनों फिल्म की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा तगड़ी है, जिसके चलते इन फिल्मों का बिजनेस इतना अच्छा हुआ है। वेल, तो इन तीनों फ्रेंचाइजी के कलेक्शन आपको कितने पसंद आए मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।